हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश सर, आप लोगों का एसएसटी टीचर। आप सभी लोगों को दीक्षांत एडुटेक में बहुत ही वेलकम है। तो आज हम लोग जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, व्हेन वेयर एंड हाउ, उसका हम लोग पार्ट टू करने जा रहे हैं। यानी क्योंकि इस चैप्टर को हम इस सेशन में क्या करेंगे, फिनिश्ड करेंगे। तो यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले, तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कि डिफरेंट सोर्सेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री बनाने के लिए हमें किस किस स्रोत का ज़रूरत पड़ते हैं और वो सोर्सेस क्या क्या है और उस सोर्सेस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सोर्सेस का, कि व्हाट आर सोर्सेस। सोर्सेस स्रोत क्या है। सोर्सेस इज समथिंग दैट provides information about the historical topic you are studying, यानी कि sources ऐसा चीज है जिनके बारे में जो हमारे बीता हुआ कल में यानी कि past में जो घटे events उसके बारे में जानकारी यदि हमें चाहिए या तो उसके बारे में हम जानना चाहते तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, sources चाहिए। बिना sources का कोई भी event के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सोर्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। कोई भी हिस्ट्री बिना सोर्सेस का हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो जो हिस्टोरिकल सोर्सेस है, कैन इंक्लूड कोइंस, कुछ भी हो सकते हो हिस्टोरिकल सोर्सेस, यानी कि जो हम लोग सोर्सेस की बात कर रहे हैं तो वो सोर्सेस कुछ भी हो सकते, कोइंस भी हो सकते, आर्टिफैक्ट भी हो सकते, रिटर्न रिकॉर्ड्स में जैसे सेक्युलर बुक भी हो सकते, रिलीजियस बुक भी हो सकते, और उसके बाद पिलार भी हो सकते, उसके बाद केव्स में बनाए हुआ पेंटिंग भी हो सकते, मॉन्यूमेंट्स हो सकते, बिल्डिंग्स हो सकते, एनी थिंग्स कैन बी द सोर्सेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। जैसे यहाँ पर कोइंस, जो सिक्का पैसा वो भी हो सकते सोर्सेस में, वो भी आ सकते। आर्टिफैक्ट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो भी हो सकते। मॉन्यूमेंट्स जैसे बिल्डिंग हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस तरह का मॉन्यूमेंट्स भी हो सकते। लिटरेरी सोर्सेस भी हो गया, जो लिखा हुआ जो स्रोत है वो भी हो सकते। डॉक्यूमेंट्स हो सकते, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो सकते, ओरल ट्रांसमिशन हो सकते, जो हमारे परदादाओं ने जो हमें कहानी बताए थे वो भी हो सकते। स्टोन में लिखा हुआ जो भी इंस्क्रिप्शंस वो भी हो सकते, पेंटिंग भी हो सकते, रिकॉर्डेड साउंड भी हो सकते, इमेज यानी कि फोटो भी हो सकते, और ओरल हिस्ट्री भी हो सकते। यानी कि सोर्सेस में कुछ भी एनीथिंग जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास्ट के बारे में, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सोर्सेस हो गया। तो इसीलिए सोर्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है, सोर्सेस को डिवाइड कर रहा है, यानी कि सोर्सेस को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। तो सोर्सेस को हम लोग क्या कर सकते, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में डिवाइड करेंगे, दूसरा हम लोग लिटरेरी सोर्सेस में डिवाइड करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है और लिटरेरी सोर्सेस क्या है। सोर्सेस विच आर एक्सकावेटेड फ्रॉम वेयर एंशियंट पीपल, यानी कि जिसको हम लोग एक्सकावेट करते, एक्सकावेट का मतलब है क्या करना, टू डिग आउट, यानी कि उसे खोद कर निकालना, कि जमीन को खोद कर, या तो कोई हमें एकदम पुराना वाला चीज मिल गया तो उसे एकदम से हम लोग साफ कर उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। और दूसरा होते हमारे लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, यानी कि एंशियंट इंडिया, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, भोजपत्र हो गया, जो बार्क में लिखते थे, जो बर्ड्स बार्क में लिखते थे, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को जानना क्या है, कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है कि सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में किया है, दूसरा लिटरेरी सोर्सेस में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, जिसको हम लोग एक्सकावेट करके यानी कि डिग आउट करके उसे हम पाते हैं, एंड वहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं हिस्ट्री के लिए या तो हमारे पास्ट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते। दूसरा हो गया हमारा लिटरेरी सोर्सेस, जो रिटर्न रिकॉर्ड है, जो लिखित रिकॉर्ड है, जो हमारे पास्ट के बारे में हमें बताते, उसे हम क्या कहते,
लिटरेरी सोर्सेस के थे। नाउ सेकेंड ओके जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है कि मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन बुक्स, जो हाथ से लिखा हुआ जो बुक्स यानी कि जो सोर्सेस है उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके एंड वो लैंग्वेज क्या होते थे उस टाइम? ओके ज्यादातर प्राकृत, संस्कृत या तो ब्राह्मी, ज्यादातर तो ओके संस्कृत का ही इस्तेमाल किए जाते थे पहले तो, लेकिन बाद में जाकर प्राकृत ब्राह्मी जैसे ओके लैंग्वेज भी क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग यानी कि जनसाधारण लोग ओके संस्कृत लैंग्वेज को नहीं जानते थे, अपना जो लोकल भाषा प्राकृत एंड ब्राह्मी ओके क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। एंड इसी में ओके बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट भी क्या किया गया, लिखा गया। ओके अब बुक, डॉक्यूमेंट और पीस ऑफ म्यूजिक रिटन बाय हैंड ओके रेदर देन टाइप्ड और प्रिंटेड। आज के दिन ओके जो भी हमारे पास जो बुक है वो तो हाथ से लिखा हुआ नहीं है, वो तो ओके प्रिंटेड है, वो तो मशीन में क्या किया गया है, टाइप किया गया है। ओके तो जो हाथ से लिखा हुआ जो बुक्स होते ओके उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब ये हो गया ओके मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। जहाँ यहाँ पर ओके फिगर भी दिखाई दे रहा है, ये जो ट्री से ओके वो जो निकल रहा है ओके यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ द बार्क, यानी कि ये जो बार्क है ओके उसे निकाल कर उसका पन्ना पन्ना यानी कि पेपर बनाए जाते थे एंड उसके ऊपर हमारे पास्ट पीपल लिखते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके एंड लोग इसमें भी लिखते थे, इसे ये हो गया ओके हमारे ओके पाम्पलेट हो गया ओके इसका बनाते ओके इसको सुखा कर उसे ओके पेपर की तरह। आज के दिन तो हमारे पास क्या है? कॉपीज है ओके, जो टेक्स्ट कॉपी है हमारे पास उसके ऊपर हम लोग लिखते, लेकिन उस टाइम ये सब चीज़ डेवलप्ड नहीं हुआ था। लिखने के लिए या तो इस तरह का बर्ड्स बाग का इस्तेमाल करते थे या तो इस तरह का ओके पाम्पलेट्स का इस्तेमाल करते थे। सो ये तो हो गया ओके मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अब हम ओके डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन मॉन्यूमेंट, नंबर टू ओके कोइंस, नंबर थ्री इंस्क्रिप्शन, नंबर फोर सील्स, नंबर फाइव आर्टिफैक्ट। इसके बारे में तो ओके हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी क्या किया है, डिस्कस किया है, इसमें यहाँ पर भी फिर से डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस ओके, व्हाट आर आर्टिफैक्ट, व्हाट आर कोइंस ओके एंड व्हाट आर सील्स, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ओके हम लोग क्लियर भी हो जाएंगे कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्यों है एंड ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ओके हमारे हैं मॉन्यूमेंट्स। व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहे हैं ना, तो फिगर से ओके आप लोग को याद हो रहा है, यहाँ पर जो टेम्पल दिख रहा है, दिख रहा है ना मंदिर, यहाँ पर फोर्ट किला ओके जो राजाओं के टाइम में बनाए जाते थे, जैसे एग्जांपल में रेड फोर्ट हो गया और यहाँ पर ओके पैलेस, ये टीपू पैलेस हो गया जो टीपू सुल्तान ने ओके अपना पैलेस बनाए थे। तो यहाँ पर यदि हम विजिट करेंगे तो यहाँ से हमें बहुत सारा सोर्सेस यानी कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, यानी कि जो भी टेम्पल फोर्ट्स ओके पैलेसेस जो भी ओके ये जो भी आज के दिन ये सब हमारे क्या है? लिविंग एग्जाम्पल है। ओके ताजमहल हो गया, अगर हम लोग आज के दिन ओके यहाँ पर ताजमहल को देखना चाहते तो आज भी हम जाकर देख सकते हैं, आज हम लोग पैलेसेस को देखना चाहते तो आज भी हम जाकर देख सकते हैं, ये हमारे लिविंग ओके क्या भी हो गया, सोर्सेस भी हो गया। और व्हाट मॉन्यूमेंट्स टेल्स अस, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके मॉन्यूमेंट्स हमें क्या बताते? नंबर वन पीरियड इट वॉज बिल्ट, ओके कौन सा पीरियड में वो बने हैं और किसने बनाए हैं, किस राजा ने बनाए हैं, वो उसके बारे में ओके हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेंगे। नंबर टू आर्टिस्टिक स्किल, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोगों को कितने अच्छे से मंदिर बनाए हैं ओके, कितने अच्छे से पैलेसेस बनाए, कितने अच्छे से फोर्ट बनाए हैं, तो ये जो बनाने वाले जो कला है उसके बारे में भी ओके हमें क्या मिलेंगे, जानकारी मिलेंगे। तीसरा चीज रिलीजन फॉलोड बाय द पीपल एंड द रूलर्स, यानी कि ओके मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर अगर टेम्पल इस तरह से देख रहा है तो किस गॉड का ये टेम्पल है ओके, यानी सपोज मान लीजिए कि ये ओके शिव का टेम्पल है
तब हम कह सकते कि उस टाइम इस साल में वहाँ पर लोग इस गॉड को जानते थे और इस गॉड को क्या करते थे, पूछते थे। तो रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे, एंड बहुत सारा चीज़, वहाँ पर कितने साल में बने थे ये साल भी हमें मिल जाएगा, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किए थे उन लोगों ने, अगर मान लीजिए कौन सा किसी मटेरियल का इस्तेमाल किया है तो हम बता सकते या तो जान सकते कि उस टाइम के लोग भी इस मटेरियल के बारे में जानते थे। तो इस तरह का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के लिए मिल जाएंगे, किसके थ्रू, मॉन्यूमेंट के थ्रू। क्लियर है ये? सेकेंड होगा हमारा ये उसी का मॉन्यूमेंट्स में, जैसे यहाँ पर आप लोग इसका क्या भी ले सकते, स्क्रीनशॉट भी ले सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे सकते आप लोग। तो फर्स्ट है आप लोगों का ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। कब बनाया था? 1631। और क्यों बनाए थे? इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। यानी कि हमें क्यों बनाए थे, वाई, ये भी हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। वेन, कब बनाए थे? 1631 में। बाई हुम और हु, तो यहाँ पर हमें शाहजहां भी मिल गया, उसका नाम तो क्या हो गया, ताजमहल। और वेर ये भी मिल जाएंगे हमें, वो कहाँ पर, आगरा में, है ना। उसी तरह कुतुब मीनार, कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय द इल्तुतमिस। ये लोग दिल्ली सुल्तानेट के क्या थे, स्लेव डायनेस्टी का रूलर्स थे। कब बनाए थे? 1198 में स्टार्ट किया था, 1215 में ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड किस लिए बनाए थे, किसके लिए बनाए थे? ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ये बहुत ही नामी रिनाउंड सूफी संत था, उसी को अर्पित करने के लिए ये जो कुतुब मीनार बनाए गए थे। स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसे कंप्लीट किया किसने, इल्तुतमिस ने। तो इस तरह का सोर्सेस हमें, इन्फॉर्मेशन हमें मॉन्यूमेंट से मिलते हैं। तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? ब्रिटिश ने। कब बनाए थे? 1924। क्या करने के लिए बनाए थे? टू वेलकम एम्पायर जॉर्ज फाइव, पहली बार भारत में आ रहे थे तो जॉर्ज फाइव को क्या करने के लिए, वेलकम करने के लिए, ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाए थे। चार मीनार किसने बनाए थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाए थे। कब बनाए थे? 1591। एंड किसके लिए बनाए थे? टू एक्नोलेज द एलिमिनेशन ऑफ द प्लग, यानी कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ये प्लग जो महामारी फैल गए थे, तो उसे क्या करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इस तरह का जो हमारे आस्थाएँ भी थे, उस टाइम मानते थे, आज भी हम लोग मानते, तो उसे ख़त्म करने के लिए चार मीनार का कंस्ट्रक्शन किया गया था। कोणार्क सन टेम्पल किसने बनाया था? नरसिंगा देवरा वन ने। कब बनाए थे? 1250। एंड किसके लिए बनाए थे? वो सन गॉड सूर्य को क्या करने के लिए, अर्पित करने के लिए, उसे डेडिकेट करने के लिए नरसिंगा देवा फर्स्ट ने बनाए थे। यानी कि मॉन्यूमेंट से हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। नंबर वन तो ये हमें क्या मिल रहा है, ईयर मिल रहा है। नंबर टू तो किसने बनाए थे, वो भी मिल रहा है। एंड नंबर थ्री किस कारण बनाए थे, वो भी मिल रहा है। अब इसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू नो मोर देन आप लोगों को इससे भी ज़्यादा क्या, वहाँ से क्या मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसीलिए भी मॉन्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। मॉन्यूमेंट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स राइटिंग ऑन रॉक पिलर्स मेटल प्लेट क्ले टेबलेट वॉल्स ऑफ टेम्पल हाउस एंड टॉम्स। यहाँ पर रॉक्स में, पिलर्स में, मेटल प्लेट्स में, क्ले टेबलेट में, वॉल्स ऑफ टेम्पल में, हाउस एंड टॉम्स में, जो इस तरह का लिखा हुआ जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। उसी तरह एपिग्राफी में, यानी कि यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज, यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, तो ये कौन पढ़ सकते, जो रीडिंग कर सकते, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, उसे हम क्या कहते हैं, डेसिफरमेंट कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ हम लोगों ने सीखा है, एक तो इंस्क्रिप्शंस क्या है वो तो हमें याद हो गया है, और दूसरा चीज़ एपिग्राफी क्या है, एपिग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एंड तीसरा चीज़ हम लोगों ने क्या देखा, डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट मीन्स जो इंस्क्रिप्शंस में इस्तेमाल किया गया भाषा,
उसको समझने वाला और उसे पढ़ने वाला, ओके, जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, डिसिफर्मेंट कहते हैं, ओके। तो इसका भी ओके हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पर ओके हमें दिखाई दे रहा है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, ये किसने किया था, रुद्रमन ने किया था, और वो कौन सा लैंग्वेज में, संस्कृत में, ओके। एंड ये कहाँ पर है, गिरनार हिल नियर ओके जूनागढ़ गुजरात इंडिया में है। अगर आप लोग गुजरात जा रहे तो ओके यहाँ पर जाकर आप लोग क्या देख सकते, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन देख सकते। दूसरा नासिक इंस्क्रिप्शंस, ये किसने बनाया था, ओके उषाभा दत्ता ने, ओके। एंड यहाँ पर किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हाइब्रिड संस्कृत का। हाइब्रिड संस्कृत मीन्स ओके जो थोड़ा ओके संस्कृत लैंग्वेज जो थे ओके उसे थोड़ा डेवलप्ड करके उसका इस्तेमाल किया है। एंड ये कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में। यानी कि ओके इंस्क्रिप्शन से हमें क्या मिल रहा है, नंबर वन तो लैंग्वेज के बारे में या तो स्क्रिप्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, किसने बनाए हैं वो मिल रहा है, ओके। और उसके बाद कहाँ पर बने वो भी मिल रहा है, उसके साथ साथ ओके कब बने हैं ये भी मिल जाएंगे, ओके किस लिए बनाए ये भी मिल जाएंगे, वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है ये भी मिल जाएंगे। इस तरह से ओके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी मिल सकते हैं और मिलते हैं। अब ओके नेक्स्ट है ओके हमारा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट ओके हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी क्या किया था, डिस्कस किया था, जितना भी टूल्स वेपन्स ओके पॉटरी ओके जो पॉट बनाते थे लोग, ओके टाइनी स्कल्पचर्स हो गया, टॉयज ज्वेलरी हो गया, ओके जो हमारे पास्ट के पीपल ने क्या किया, यूज्ड किया है, उन लोगों ने बनाए हैं उस तरह के ओके टूल्स वेपन्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट कहते हैं। यहाँ पर ओके एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये जो भी है टूल्स वेपन्स हो गया ओके, ये खेलने के लिए ओके टॉय हो गया, ये पॉट हो गया ओके, ये ज्वेलरीज हो गया, ये ज्वेलरीज स्पेशली ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे इस तरह का ज्वेलरीज। तो यहाँ पर जो भी ओके ये सब चीज, अगर ये चीज़ को ओके अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे ओके, वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाएंगे, तो जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट कहते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा कॉइन्स। कॉइन्स में अब क्यों इम्पोर्टेंट है कॉइन्स, कॉइन में ओके हमें बहुत सारा चीज़ मिलते हैं, ओके क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें कॉइन्स से मिल सकते हैं। तो नंबर वन, मेड अप ऑफ लीड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर ओके गोल्ड कुछ ओके मतलब यहाँ से ओके गोल्ड का भी कॉइन हो सकते, लीड का भी हो सकते, कॉपर का भी हो सकते, ब्रॉन्ज का भी हो सकते, और किसका भी हो सकते, सिल्वर का भी हो सकते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हो सकता है वो तो हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमें ओके यहाँ पर क्या याद हो रहा है और क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर ओके किसी पीरियड में गोल्ड का ओके कॉइन बने हैं तो हम ये बता सकते हैं कि उस टाइम लोग गोल्ड के बारे में भी जानते थे। लीड के बने हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लीड के बारे में भी जानते थे वो लोग। तो उसी तरह से यहाँ पर कॉइन्स हमें क्या बताते हैं, कॉइन्स हमें क्या ऐसा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो नंबर वन तो पीरियड ऑफ रूलर्स रेन, यानी कि जिस राजा ने वो कॉइन बनाए हैं वहाँ पर हमें क्या भी मिलेगा, ईयर भी मिलेगा, और उस ईयर से हमें पता चल जाएगा कि वो जो राजा है तो कितने साल में ओके कितने साल से कितने साल तक क्या किए, रूल किए, ईयर्स के बारे में यानी कि पीरियड के बारे में हमें याद हो जाएगा। दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, इसके बारे में भी हमें याद हो जाएगा ओके, और क्वीन हमें इंफॉर्मेशन देंगे। अगर किसी राजा के टाइम में यानी कि किंग के टाइम में उसने गोल्ड का क्वीन इशू किया है तब हम कह सकते कि उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही डेवलप्ड था, इसीलिए तो गोल्ड का कॉइन क्या किया है, इशू किया है। उसी तरह से ट्रेड रिलेशनशिप ओके विथ अदर रीजन्स, अगर मान लीजिए कि उस टाइम ओके किसी देश का कॉइन हमारे देश में मिल गए तो हम कह सकते हैं, सपोज मान लीजिए कि 1500 में
1500 का कॉइन हमारे इंडिया में मिला, कहाँ का मिला, इजिप्ट का मिला, तो हम कह सकते वो तो प्रूफ हो गया कि हमारी इंडिया इजिप्ट के साथ क्या रखते थे, ट्रेड रिलेशंस रखते थे, यानी कि ट्रेड करते थे, इसीलिए तो इजिप्ट का कॉइन होके हमारी इंडिया में आ गए, हमारे इंडिया का सामान उधर गया होगा और उसी तरह से ओके वो लोगों ने पे किया होगा और इजिप्ट का कॉइन इधर आया होगा। तो इस तरह का ओके इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलते, कॉइन से मिलते, और भी ओके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जैसे हॉबीज ऑफ द किंग हो गया ओके, तो ये सब हमें कॉइन से क्या मिलते, इन्फॉर्मेशन मिलते। तो यहाँ पर देखिए ओके ये कॉइन हो गया, यहाँ पर इसी कॉइन को भी देख सकते हैं आप लोग ओके, यहाँ ओके नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर ईयर दिया गया ओके 2006 ओके, एंड यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि ये किस देश का कॉइन है, इंडिया का, और कितने रुपया का कॉइन है, ये 10 रुपया का ओके, एंड ये कब इशू किया गया था 2006 साल में। और उसी तरह से ओके ऐसे बहुत सारे ओके किससे बना, किस धातु से बने, और साइज एंड शेप भी हमें मिल रहा है ओके किस शेप में, राउंड शेप में, अगर कोई कॉइन रेक्टेंगुलर शेप का है या स्क्वायर शेप का है तो वहाँ से भी हम बता सकते हैं कि उस टाइम के लोग शेप एंड साइज के बारे में भी जानते थे, नॉलेज रखते थे। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलते, कॉइन से मिलते। जैसे यहाँ पर कॉइन्स का ये एग्जाम्पल ओके, यहाँ पर समुद्रगुप्त का ये समुद्रगुप्त ओके, यहाँ पर बीना को क्या करके रखे, पकड़ के रखे है, होल्डिंग वीना। इसका अर्थ ये हुआ कि समुद्रगुप्त वॉज द म्यूजिक लवर, यानी कि लवर ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक को पसंद करते थे, संगीत को पसंद करते थे, इसीलिए तो ओके यहाँ उसका फोटो में वो किसको ओके होल्ड कर रहा है, बीना को होल्ड कर रहा है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आते। उसी तरह एंशियंट रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द कोस्टल टाउन ऑफ अराइका मेडू तमिलनाडु ओके, तमिलनाडु के अराइका मेडू में रोमन का कॉइन्स मिला था। तो ये प्रूव करते हैं कि तमिलनाडु का ट्रेड रिलेशंस किसके साथ था, रोम के साथ था। और उसी तरह से समुद्रगुप्त प्लेइंग वीना ओके इन हिज गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड कॉइन इशू किया था समुद्रगुप्त ने, तो वहाँ पर ओके उसने किसको होल्ड किया था, वीना को, उसका मतलब यही प्रूव करते हैं कि समुद्रगुप्त वॉज द लवर ऑफ म्यूजिक और द म्यूजिक लवर। अब सील्स, सील्स में क्या मिलेंगे आप लोगों के, सील्स क्या है पहले ओके ये हम देखते हैं। सील्स आर ऑब्जेक्ट विथ एनग्रेव्ड एम्ब्लेम, साइन और सिंबल ओके, एम्ब्लेम का मतलब है साइन और सिंबल, और स्टेम ऑफ अथॉरिटी, फिगर ऑफ गॉड्स एंड एनिमल्स ओके वर फाउंड। यहाँ पर किसी को ओके मतलब जैसे आज हम लोगों की स्कूल में स्कूल का क्या करते हैं, स्टैम्प यूज करते ओके, जैसे हमारा रिजल्ट हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पर हमारे किसका स्टैम्प होते, स्कूल का स्टैम्प होते हैं। उसी तरह से हमारे एंशियंट टाइम में कोई स्टैम्प तो डिस्कवर नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था, इसीलिए जो व्यापार करते वक्त स्पेशल ओके कहीं से एक देश से दूसरे जगह सामान भेज रहे तो उस टाइम सील्स का इस्तेमाल करते थे प्रूफ के लिए कि ओके हम भेजे, सील देखकर ओके पता चलते थे कि वो वहाँ से भेजे। तो वहाँ पर ओके किसी का भी हो सकते थे, गॉड्स का भी फिगर हो सकते थे, कभी कभी एनिमल्स का भी हो सकते थे ओके, वो डिपेंड करते रूलर के ऊपर, रूलर ओके किस तरह का सील बनाना चाहते थे। तो ज़्यादातर उस टाइम जो भी सील्स मिले या तो गॉड का फिगर वाली मिले या तो एनिमल का वाला मिले ओके, यहाँ पर दिख रहे हैं इस तरह से, ये ओके एनिमल हो गया ओके, यहाँ पर एनिमल, यहाँ पर ओके मैन, यहाँ पर ओके गॉड का, तो इस तरह का ओके जो चीज़ है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सील्स मिले थे सुमेरिया का, और उसके आधार पे ओके हिस्टोरियन कह सकते हैं कि सुमेरिया का ट्रेड रिलेशनशिप था ओके हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के साथ, क्योंकि वहाँ का जो सील से ओके हमें कहाँ मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड रिलेशंस था, इसीलिए तो वहाँ का सील कहाँ पर मिला, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। अब देखते हो कि हम लोग लिटरेरी सोर्सेज, तो लिटरेरी सोर्सेज मीन्स यू नो डैट लिखित स्रोत, यानी कि ओके लिखा हुआ जो बुक्स है जो हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिटरेरी सोर्सेस, रिटन रिकॉर्ड्स ओके ऑफ ए पीरियड इज कॉल्ड दी लिटरेरी सोर्सेस। अब उसे भी ओके हम क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते, एक रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस में, दूसरा सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस में। रिलीजियस मीन्स ओके जहाँ पर हमें क्या मिलेंगे ओके धार्मिक
स्रोत यानी कि ओके धार्मिक यानी कि धर्म के साथ जो ओके धर्म में लिखा गया जो भी बुक से वो हमारे हो गया लिटरेरी सोर्सेस हो गया। सेक्युलर मीन्स ओके एकदम क्या हो गया अलग, नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन्स, किसी धर्म के साथ ओके ये रिलेट ही नहीं करते। सेक्युलर मीन्स एकदम अलग, जो राजाओं के बारे में लिखा गया है ओके, जो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में लिखा गया है ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं। नाउ व्हाट आर रिलीजियस सोर्सेस, ओके रिलीजियस मीन्स राइटिंग्स ऑन रिलीजियस थीम्स, जो रिलीजियस थीम के ऊपर यानी कि ओके जो धार्मिक यानी कि धर्म के आधार पर लिखा गया ओके जो बुक्स है ओके उसे हम क्या कहते हैं रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। एंड ये हमें फिर भी ओके सोसाइटी के बारे में जानने के लिए ओके हमें इंफॉर्मेशन देते, उस टाइम के रिलीजन के बारे में हमें मालूम हो जाएगा, उस टाइम के पॉलिटिक्स के बारे में ओके हमें ऐसे बहुत सारा चीज़ धर्म का मतलब सिर्फ धर्म के बारे में नहीं होगा ओके जैसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पर हमें मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हो गया यहाँ हमारे वेदास, वेदास में ऋग वेदा साम वेदा यजुर वेदा अथर्व वेदा यहाँ पर हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ओके। जो ऋग वेदा को हम लोग क्या भी कहते हैं ओल्डेस्ट वेदा भी कहते हैं, उसी तरह रामायण हो गया ओके जो रिटर्न बाय वाल्मीकि, उसी तरह महाभारत हो गया रिटर्न बाय वेद व्यास ओके, उसी तरह से ये बुद्धिस्ट का ओके त्रिपिटका नेम ऑफ द रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म त्रिपिटका ओके, ये जो भी ओके यहाँ पर ये सब ये हमारे क्या हो गया रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस हो गया। यहाँ से भी ओके हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन या तो सोर्सेस प्राप्त होते हैं जिसके तहत ओके हम लोग हमारे हिस्ट्री यानी कि हमारे पास्ट के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए रामायण किसने लिखा था वाल्मीकि ओके, कौन सा लैंग्वेज में लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में। एंड यहाँ पर हमें किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगे, सोशल कंडीशन के बारे में भी, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में भी, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में भी, उस युग के बारे में ओके हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगे। उसी तरह महाभारत हो गया रिटन बाय वेदव्यास ओके, तो किस में लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में ओके, इसमें भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस कंडीशंस ऑफ अ पीपल ड्यूरिंग दैट पीरियड ओके उसके बारे में हमें क्या मिलेंगे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। उसी तरह से वेदास हो गया, वेदास में ऋग वेदा साम वेदा ओके ये भी ओके किसने व्यासा ने उसे क्या किया था कंपाइल्ड किया था ओके, इसका बहुत सारा ओके लंबा स्टोरी है, इफ़ यू वांट टू नो ओके आप लोग कमेंट कर सकते। तो अभी ओके वेदास के बारे में अगर बात करें तो व्यासा ने लिखा था ओके, तो उसमें भी हमें क्या मिलेंगे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे ओके। तो रिलीजियस सोर्सेस जो है वो भी हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी हम लोग हमारे पास्ट के बारे में बहुत सारा चीज़ जान सकते। जैसे यहीं पर देखिए ओके हम लोगों ने किसने लिखा था वाल्मीकि ने लिखा था, किस लैंग्वेज का लिखा था ओके संस्कृत में, आज के दिन रामायण महाभारत ओके ये सबको लोगों ने क्या भी किया है अपने अपने लैंग्वेज में ओके लोकल लैंग्वेज में क्या भी किया है ट्रांसलेट भी किया है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ओके एपिक भी माने जाते हैं ओके, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इंडिया का एपिक भी है ओके। नेक्स्ट है हमारे सेक्युलर लिटरेचर, अब इसके बारे में तो ओके हम लोग मैंने बता दिया आप लोगों को ओके सेक्युलर लिटरेचर क्या है, यानी कि कोई भी फॉरेन ट्रैवलर ओके यानी कि बायोग्राफी, क्योंकि हमारी इंडिया में ओके बहुत सारा लोग जो हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में किया था फर्स्ट सेशन में किया था फर्स्ट ओके पार्ट में किया था माउंटेन के पासिस के थ्रू बहुत सारा फॉरेन ट्रैवलर्स भी हमारे इंडिया में आते थे, और जब आते थे ओके अब देखकर इंडिया में देखकर उन लोगों ने जो जो चीज़ लिखा है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं। उसी तरह से बायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स ओके किसी राइटर ने किसी दूसरे ओके या तो किंग के बारे में लिख रहे उसे हम क्या कहते बायोग्राफी कहते। ऑटोबायोग्राफी मीन्स ओके रिटन बाय वन सेल्फ, जैसे मान लीजिए कि मैं मेरे बारे में ही बुक लिख रहा हूँ वो हो गया ऑटोबायोग्राफी, मैं आपके बारे में बुक लिख रहा हूँ वो हो गया बायोग्राफी, और पॉलिटिक्स हो गया ओके साइंस एसेट्रा विच आर नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजन। दैट मीन्स सेकुलर लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब है कि वो धर्म के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखते, वहाँ पर हमें पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वहाँ पर हमें ओके
साइंस का हो गया, वहाँ पर हमें सोशल कंडीशंस, वहाँ पर हमें राजा का चरित्र के बारे में ओके मिलेंगे, राजा ने कौन सा वार लड़े थे ओके, तो इस तरह का जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेगास्थानिस ने लिखा था इंडिका, इंडिका वो किसने लिखा था, मेगास्थानिस ने, किसके बारे में लिखा था, मौर्य का किंग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था ओके। उसी तरह से ये हर्षचरित्र किसने लिखा था, बाणभट्टा ने, किसके बारे में लिखा है ओके, हर्षवर्धन के बारे में लिखे हैं, यानी कि चरित्र मीन्स कैरेक्टर, हर्षवर्धन कैसे थे बाय कैरेक्टर, तो उसके बारे में बाणभट्टा ने लिखा है, इसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। उसी तरह से विनसांग, विनसांग क्या हो गया, फॉरेन ट्रैवलर हो गया ओके, उसने भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यानी कि बहुत सारा लिखित स्रोत हमारे भारत में आकर ओके लिख कर गए थे, वो आज के दिन हमारे लिए बहुत ही क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक दो ओके, यहाँ पर फॉरेन ट्रैवलर्स देखेंगे, फॉरेन ट्रैवलर में देखिए नंबर वन मार्को पोलो, मार्को पोलो एक यूरोपियन ट्रैवलर है जो हमारे इंडिया में आए थे, कब आए थे, 1292 और 1294 यानी कि ओके दो साल तीन साल करीब लगभग रहा, और उसके बाद ओके वो साउदर्न इंडिया में विजिट करने के बाद रुद्रमाना ओके देवा ऑफ द काकतिया, काकतिया जो डायनेस्टी था ओके उस टाइम उसका रूलर था रुद्रमन देवी था, तो उसके बारे में किसने, मार्को पोलो ने ओके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन क्या किया है, यानी कि बहुत सारे चीज ओके बहुत सारे इंसिडेंट इवेंट्स ओके लिखा था, वो हमारे लिए आज के दिन बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग ओके काकतिया का रुद्रमान के बारे में जानना चाहते तो हम लोग मोरक्को का ओके लिखा हुआ वो जो ट्रैवलर है ओके वो पढ़ सकते। उसी तरह से मेगास्थानिस, मेगास्थानिस कहाँ पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट में ओके, किसने भेजा था, सेलुकस निकेटर ने, एंड ओके 302 बीसी में आकर ओके 298 बीसी ओके वहां तक रहा, और उसके बाद करीब चार पांच साल, और उसके बाद चंद्रगुप्त के ओके डायनेस्टी के बारे में, किंगडम के बारे में ओके उसने क्या भी लिखा, बुक भी लिखा ओके इंडिका। इफ यू वांट टू नो और इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य देन हम लोग कौन सा बुक पढ़ सकते, इंडिका, जो किसने लिखा था, मेगास्थानिस ने। कब लिखा था, क्योंकि मेगास्थानिस चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ही आकर बैठा था, और ओके वहीं से ओके उसने अपना बुक भी लिखा था इंडिका। थर्ड वन है फाहिन, फाहिन क्या है, चाइनीज बुद्धिस्ट मंक है जो इंडिया में आए थे 405 AD टू ओके 411 AD में आए थे, वो किसके टाइम में आए थे, विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में आए थे, और कौन सा बुक ट्रैवलर लिखकर छोड़ा था, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, यानी कि ओके उस टाइम का हमारे इंडिया में वो क्या करने के लिए आए थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को ओके एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, और यहाँ आकर ओके जो ट्रैवलर यानी कि जो बुक लिखकर छोड़े उसमें ओके हमें किसके बारे में भी मिलेंगे ओके चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन या तो सोर्सेस हमें प्राप्त होते हैं ओके। एंड लास्ट वन इज विनसांग, जो चाइनीज ट्रैवलर है जो 630 AD में आकर 645 AD तक रहा, और ओके उसने हर्षवर्धन के पीरियड में आए थे, एंड हर्षवर्धन के बारे में ओके वो और उस टाइम का ओके उस पीरियड का वो आकर बुक भी लिखा था ओके, वो बुक का नाम है सी यू की और द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज रिटन बाई हिम ओके, सी यू की, क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज हो गया ओके, वो चाइनीज ट्रैवलर था, इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया गया था रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि ओके जो यहाँ पर आए, आने के बाद यहाँ का ओके जो सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, रिलीजियस कंडीशंस कैसे हैं, इसके बारे में ओके बुक यानी कि ट्रैवलर लिखा, और वो हमारे लिए आज के दिन बहुत ही क्या होते, इम्पोर्टेंट सोर्सेस होते। तो हम लोगों ने आज क्या किया है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री किए हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम लोगों ने मॉन्यूमेंट, कोइन, इंस्क्रिप्शन ओके ये सब में क्या किया है, डिवाइड किया है, इंस्क्रिप्शंस क्या है, मॉन्यूमेंट्स क्या है, सील्स क्या है, कोइंस क्या है ओके वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं ये भी हमें याद हो गया है। दूसरा हम लोगों ने किया लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस को हम लोगों ने डिवाइड किया सेकुलर और उसके बाद रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स ओके जो रिलीजियस थीम में लिखा गया जैसे रामायण महाभारत हो गया, उसी तरह से ऋग्वेदा हो गया, सामवेदा हो गया, और उसी तरह से सेकुलर में हम लोगों ने किया
जो रिलीजियस थीम के साथ एकदम अलग, ओके, जैसे इंडिका बाई मेगस्थनीस हो गया, अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य हो गया, हर्षचरित्र बाई बाणभट्टा हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई रिलीजियस थीम के ऊपर क्या नहीं किया गया, ओके, नहीं लिखा गया। तो इस तरह से ओके हमारे जो ये लेसन से, ये जो हमारे फर्स्ट लेसन से हिस्ट्री का, व्हेन वेयर एंड हाउ, ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन या तो डाउट है तो आप लोग ओके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो किस टॉपिक में डाउट हुआ है। होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। तो इसी तरह से हम लोग फिर से मिलेंगे दूसरा लेसन के साथ दीक्षांत एडुटेक में। ओके, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसी तरह से ओके आप लोगों को मैं फुल इन्फॉर्मेशन ओके देने की कोशिश करूँगा। हैव अ नाइस टाइम।